गाजर को मैंने धो के रख लिया था, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसके अंदर से जो येलो वाला सख्त पार्ट है वो हमने निकाल दिया है और बाकी जो हमसे कटिंग कर ली है, अब इसको पकने के लिए रखते हैं। जी, अब एक देगची में हम ये गाजर सारी डाल देंगे, साथ ही एक जग पानी इसमें डाल देंगे। अब इसे ढाक के 10 से 15 मिनट के लिए, 15 मिनट इसे तकरीबन ना हमने पकाना है ताकि ये गाजर हमारे पास ना गल जाए। पकने के लिए इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए। जी, गाजर को 20 मिनट पकाने के बाद मैं चूल्हा कर दूंगी बंद और इसको हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। अब ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम एक दूसरे बर्तन में डाल देंगे। जी, अब उसी देगची में ये मैं चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद इसमें पानी नहीं डालेंगे, ना ही चूल्हा हम जलाएंगे, और ये गाजर जो हमने बॉयल की है ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें, और इसको ढाम के रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि जो जो गाजर का पानी है और जो चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी, तो फिर हम इसे बाद में पकाएंगे। कम से कम 2 घंटे इसे ज़रूर पड़ा रहने दें। जी, गाजर जो हमने चीनी में ऐसे भिगोई थी, ये देखें इसका शीरा बिल्कुल हो चुका है तैयार, मेल्ट हो गई है चीनी भी हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 ग्लास जिसमें गाजर बॉयल की थी वो वाला पानी। ठीक है, इसको फिर रख देते हैं चूल्हे पे। ये पानी जिसमें गाजर बॉयल की थी ये वही वाला पानी हम इसमें डाल रहे हैं, तकरीबन 1 ग्लास। हाँ जी, इलायची को ऐसे खोल के ये इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी हमारी मेल्ट नहीं हुई वो भी अच्छी तरह हो जाए। इसे 2 से 3 दफ़ा ऐसे चम्मच हिलाएंगे इसमें ताकि अच्छी तरह सारी मिक्स हो जाए। गाजर चौड़ा के 2 से 3 ड्रॉप बस। और नींबू का रस, 2 नींबू मैंने लिए थे, इसका रस निकाल लिया, जूस निकाल लिया, वो मैं इसमें डालूंगी। इससे ये होगा कि इसकी रंगत जो है ना बहुत अच्छी रहेगी, इसकी देखें आप ये तो मतलब है कि ये बिल्कुल ना रेडी है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, जब ये ड्रॉप्स गिरना बंद हो जाएंगे तो हम जी अब बनाना शुरू करते हैं। आम को मैंने अच्छी तरह धो के और इन्हें इसकी ये देखें ऐसे पतली लंबी काशें काट ली हैं। ठीक है, अब मैं इसे इसमें डालूंगी पानी। पानी मैंने इतना डालना है कि ये अच्छी तरह डूब जाए इसमें पानी में। चार लीमू जो से वो इसमें निचोड़ के, और ये छिलके भी मैं नींबू के जो से वो भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। जी, अब मैं इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, पड़ा रहने दूंगी। ढाम के इसे रख देंगे और इसे छोड़ देंगे। बाकी नेक्स्ट स्टेप इसका जो सा वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। 2 से 3 घंटे मैंने भिगो लिया था लीमू के पानी में। ठीक है, अब मैं इसका ये पानी जो सा वो गिरा दूँगी और एक दफ़ा अच्छे अच्छी तरह साफ पानी से धो के फिर इसे पानी दूसरा चेंज करके और मैं बॉयल होने के लिए ऊपर चूल्हे पर रखती हूँ। जी, इसको मैंने पानी इसका चेंज कर लिया है, अब मैं इसे बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया चूल्हे पे। इसे मैक्सिमम जो सा 15 मिनट के लिए जो सा मैं बॉयल करूँगी ताकि ये जो सा आम है वो गल जाए हमारे। जी, अब मैं इसे कर लूँगी स्टेन, स्टेनर में डाल के तो स्टेन करके तैयार। उसके लिए मैंने चीनी डालूँगी देखिए मैं, 1 किलो चीनी है, 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें शामिल करूंगी 2 ग्लास पानी। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ी इलायची। इलायची हमने इसमें शामिल कर ली है, अब चीनी को हम मेल्ट होने देंगे, इसमें कर लेंगे शीरा तैयार।
जी शीरा हो चुका है तैयार। देखिए जब एक तार बनने लग जाए तो हमने इसमें डालना है कुछ, ये जो बॉयल किए हुए हमारे पास आम है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। डालने के बाद अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। ये मैंने काट के रख लिए थे, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज वैसे भी ठीक है।